नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज सरोकार प्रोग्राम में मुद्दा उठाएंगे कानपुर देहात से, जहां पर आपको बता दें कि बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन जब बच्चों को उनके हाथ में कलम की जगह झाड़ू थमा दी जाए तो सोचिए कि देश का भविष्य क्या होगा। इन बच्चों के हाथ में आखिर किसने झाड़ू थमाई है, इस रिपोर्ट से समझिए। इसके बाद इसी पर करेंगे चर्चा। माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते समय ये सोचते होंगे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर बहुत ही बड़े मुकाम तक जाएगा। उन्हें शिक्षकों से यह उम्मीद होती है कि वो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, उन्हें एक उज्जवल भविष्य देंगे। लेकिन कानपुर देहात में इसका उल्टा नजारा देखने को मिला। यहाँ बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए उन्हें पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि उनसे स्कूल में झाड़ू लगवाई जाती है। यही नहीं, अगर बच्चे झाड़ू नहीं लगाते तो उन्हें मारा पीटा जाता है। दरअसल ये पूरा मामला कानपुर देहात के पहलावरपुर गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय का है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि देश का भविष्य कहे जाने वाले ये बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं। बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। वीडियो में बच्चों से जबरन झाड़ू लगवाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं या फिर झाड़ू लगाने की ट्रेनिंग लेने आते हैं। क्या नाम है आपका? अंशु। कौन सी क्लास पढ़ते हैं? सातवीं। अच्छा, तो यहाँ आप विद्यालय पढ़ने आते हैं? हाँ। तो सुबह जब आते हैं तो क्या करते हैं आप? झाड़ू लगाते हैं। कौन लगवाता है झाड़ू? मैडम। क्यों आप बोलते नहीं है कि हम नहीं लगाएंगे झाड़ू, क्या कहती हैं? बोलते हैं तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो मारेंगे। अच्छा, अगर आप झाड़ू नहीं लगाएंगे तो मारेंगे, ये बोलती है मैडम जी। सुन लिया आपने, ये बच्चा कह रहा है कि अगर हम झाड़ू लगाने के लिए मना करते हैं तो कहा जाता है कि झाड़ू तो लगानी पड़ेगी, नहीं तो पिटाई होगी। चलिए, ये तो बात हुई स्कूल में झाड़ू लगाने की। यहाँ तो बच्चों को खाना भी ठीक से नहीं मिलता। बच्चों के परिजनों का आरोप है कि मिड डे मील की गुणवत्ता सही नहीं है, शिक्षक अच्छा खाना खाते हैं और बच्चों को खराब खाना परोसा जाता है। कौन झाड़ू लगाता है? बच्चे लगाते हैं। कौन लगवाता है झाड़ू? वही लगाते हैं, तो है। और खाना कैसा? खाना में कहूँ कीड़े निकलते हैं, कहूँ कुछ निकलते हैं। अच्छा हाँ। तो आप लोग शिकायत नहीं करते उनसे? शिकायत करते कहते हम क्या करें, अच्छा अच्छा वो खाते हैं और जो खराब है जो बच्चे खाते हैं। अच्छा तो आप लोग क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि सही अपने मान लो जाए। क्या कह रहे हैं? बहुत खराब है, फिर हटाओ उनको। इस मामले में जब जिले की बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उनका जवाब बेहद ही गैर जिम्मेदाराना था। उनका कहना है कि स्कूल में सफाई कर्मियों की कमी है। कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि कुछ जगह सफाई कर्मी की कमी है, जहां पर है वहां पे समय से नहीं आ रहे हैं, उसके लिए भी निर्देश टाइम टू टाइम दिए जा रहे हैं और बीओ के माध्यम से भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है। फिर भी अगर इस तरीके की लापरवाही हो रही है तो उसको भी संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही भी की जा रही है। वहीं जब मामले की गंभीरता बेसिक शिक्षा अधिकारी ने समझी तो उन्होंने कहा कि अगर जबरदस्ती झाड़ू लगवाई जाती है तो जांच करवा ली जाएगी और जो भी इस पे दोषी पाए जाएंगे उन शिक्षकों पर कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय, इसके तहत तो ये बोला गया है कि जितने भी परिषदीय विद्यालयों के बच्चे हैं अगर स्वेच्छा से चाहे तो वो सफाई कर सकते हैं, एक स्वच्छ जो वातावरण है स्कूल में वो भी सुनिश्चित होगा। लेकिन अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वहाँ के जो टीचर्स हैं वो ज़बरदस्ती बच्चों से साफ सफाई करवा रहे हैं और इस तरीके की बातें रख रहे हैं कि हम तुमको मारेंगे पीटेंगे, तो ये नहीं चलेगा, इनके ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मेरा ये यहाँ पे मत है कि मैं जो बीओ हैं वहाँ पे उनके द्वारा एक बार इंस्पेक्शन करवाना चाहूँगी और वहाँ की जो वास्तविक स्थिति है उसको देख कर ही मैं कार्रवाई करना चाहूँगी। बहरहाल ये कोई पहला मामला नहीं है स्कूलों का। आए दिन सरकारी स्कूल किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं और खासकर बच्चों के मामलों को लेकर, और ये तब है जब प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था के बेहतर दावे किए जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे सरकारी टीचर पर कार्रवाई करे जो सरकारी खजाने से पैसा तो ले रहे हैं लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। न्यूज वॉच इंडिया के लिए कानपुर से गौरव शुक्ला की रिपोर्ट।
जिन बच्चों के हाथों में किताबें और कलम होनी चाहिए, पढ़ाई करने की उम्र है, वो स्कूलों में पहुंचकर झाड़ू लगा रहे हैं। दरअसल बच्चे अपने मन से यहाँ पर झाड़ू नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर जो अध्यापक हैं वो झाड़ू लगवा रहे हैं, और अगर झाड़ू नहीं लगाई तो मारने पीटने की धमकी तक देते हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला हमारे साथ सीधा कानपुर देहात से लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, आखिर क्या कुछ पूरा मामला है और इस पूरे मामले को लेकर किसी अधिकारी ने संज्ञान लिया है क्या? देखिए सर, तो बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके का ये मामला कानपुर देहात के डेरा पहलावर गांव का नजर आया है, जिसमें बच्चों के द्वारा झाड़ू लगवाए जाने का वीडियो वायरल हुआ है। बच्चों ने साफ यह भी कहा है कि अगर वह झाड़ू नहीं लगाते हैं तो यहाँ के अध्यापक उन्हें डांटते हैं और झाड़ू लगाने के लिए मजबूर करते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार है सर्व शिक्षा अभियान चला रही, सब पढ़ो सब बढ़ो अभियान चला रही, किसी तरीके से जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें विद्यालय पहुंचाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित किया जा सके, तो कहीं ना कहीं जो अध्यापक है वो उन शासन की इस मंशा पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिन हाथों में कलम किताब होनी चाहिए उन हाथों में झाड़ू पकड़ाने का काम कर रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के गांव के ग्रामीणों ने भी हल्ला बोल दिया है। तस्वीरें भी साफ है कि स्कूल के बाहर लोगों ने जो धरना प्रदर्शन भी शुरू किया, क्योंकि इस विद्यालय में एक नहीं कई ऐसी कमियां थी तो नजर आई। मिड डे मील की अगर बात की जाए तो वहाँ खाना अच्छा नहीं था, खाना वो बनाया जाता है जिसमें कीड़े निकलते हैं। एक परिजन ऐसे भी मिले जिन्होंने इन तमाम सवालों को उठाया कि उनके बच्चों का एडमिशन नहीं किया जा रहा, अगर वो विद्यालय से टीसी मांग रहे हैं उन्हें टीसी नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो खामियां थी इस पहलावरपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में देखने को मिली। और सत्य में सबसे बड़ा बात यह है कि कानपुर देहात का ये कोई झाड़ू लगाते हुए पहला मामला नहीं है, कानपुर देहात का ये छठा वीडियो और छठा विद्यालय है जहां पर बच्चों के द्वारा झाड़ू लगवाई जा रही है। इससे पहले भी मंगलपुर क्षेत्र का एक विद्यालय कमालपुर का था जहां पे बच्चों को बिना सेफ्टी मानकों के स्कूल के विद्यालय के ऊपर चढ़ाया जाता है और वहां पर टंकी उनसे साफ कराई जाती है। एक विद्यालय राजपुर क्षेत्र का एक ऐसा मिला था जहां पर बच्चों को बिना सेफ्टी मानक के अनुसार पेड़ पर चढ़ाकर वहां पेड़ कटवाए जाते हैं। तमाम वो तस्वीरें कानपुर देहात से वायरल आई हुई है जो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी कोई भी अब तक इस पूरे मामले पर संज्ञान लेता हुआ नजर नहीं आता है, जिससे कहीं ना कहीं इन लापरवाह अध्यापकों पर कार्रवाई हो सके। गौरव, वीडियो वायरल हो गया है और बड़ी तेजी से वायरल भी हो रहा है, इस पूरे मामले को लेकर आपने बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात करने की कोशिश की क्या? जी बिल्कुल सत्यम, बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पांडे से बात की और उनके पास वही पहले के तरीके का जो जवाब था कि बीओ के माध्यम से जांच कराएंगे, जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर जिले में कार्रवाई की बात की जाए तो अब तक तमाम मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जिसमें अध्यापकों की लापरवाही साफ सामने आई है, लेकिन किसी भी अध्यापक या जिम्मेदार ने कार्रवाई करने का अब तक जो है जहमत नहीं उठाई है। लगातार हौसले बुलंद है, एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इन पर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो जो शिक्षा का स्तर है वो और भी लगातार गिरता चला जाएगा। शासन की जो मंशा है बच्चों को शिक्षित करना, चौथे इस स्तंभ को बढ़ाना जिससे देश का भविष्य उज्जवल होगा, वो कहीं ना कहीं खराब होता नजर आ रहा है। जी, इसके साथ साथ जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है और तमाम तरीके के आरोप भी बच्चे लगा रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर जो ग्रामीण हैं या अभिभावक हैं उनका क्या कुछ कहना है? देखिए सर, तो बिल्कुल ये तस्वीरें सामने आई, बच्चों ने अपने घर में जाकर परिजनों को बताया कि उन्हें लगातार झाड़ू लगाने के लिए वियोज किया जाता है, प्रेशर किया जाता है उनके ऊपर, तो उन्होंने अपने परिजनों को यह बात बताई, जिसको लेकर के अध्यापक मौके पर पहुंचे भी, परिजन पहुंचे, अध्यापक से मिले, उन्होंने बात की, लेकिन अध्यापक है कि तानाशाही भरा रवैया है कि बच्चे हैं उनको झाड़ू लगानी पड़ेगी। जिस तरीके से बच्चे ने भी अपना बयान दिया है कि अगर वह झाड़ू नहीं लगाते हैं तो अध्यापक उन्हें डांटते हैं कि झाड़ू लगाना ही पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जिन हाथों पे कलम होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, उन पर झाड़ू पकड़ा जाने का काम किया जा रहा है। और अध्यापक है कि वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको ये चीजें पता है कि सिर्फ महज जांच होनी है और जांच के बाद उन पर कार्रवाई नहीं होनी है, जिससे अध्यापक में सुधार हो सके जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं कानपुर देहात के अध्यापकों पर होती दिखाई नहीं दे रही है। जी सत्यम। इसके साथ साथ इस पूरे मामले को लेकर जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिला अधिकारी, उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर कोई प्रतिक्रिया दी है कि जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, इन तमाम जो अध्यापक हैं जिन पर बच्चों ने, छोटे छोटे नौनियाल बच्चे जो पढ़ने आते हैं यहाँ पर, उन्होंने आरोप लगाए हैं, इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करने के कोई आदेश दिए गए हैं क्या? देखिए सत्यम, बिल्कुल आपको बता दूं, लगातार जिलाधिकारी नेहा जैन और शिक्षा का एक चार्ज मुख्य विकास अधिकारी सौम्य पांडे के पास भी है, ये लगातार जो है उन विद्यालयों का निरीक्षण भी करते हैं, खामियां पाए जाने पर कार्रवाई की बात करते जरूर हैं, लेकिन
कार्यवाही अगर कही जाए जो सत्यम होनी चाहिए वो किसी भी अध्यापक पर अब तक होती नहीं दिखाई दी, क्योंकि शिक्षा विभाग के अधिकारी जिलाधिकारी को उन्हीं विद्यालयों में लेकर जाते हैं जहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी होती है, जहाँ की तस्वीर अच्छी होती है। कभी ऐसे विद्यालयों में जाना नहीं हुआ है जहाँ पर शिक्षा विभाग की वो हकीकत, जमीनी हकीकत जो सत्यम कहें कि जिलाधिकारी के सामने निकल करके आए, वो चीजें अब तक होती दिखाई नहीं दी है कानपुर देहात में। जी गौरव, एक तरफ योगी सरकार तमाम तरीके की योजनाएं चला रही है और शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। अभी बच्चों को जो 1100 रुपए मिल रहा था उसको बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया है, जिससे कि बच्चे काफी किताबें खरीद सकें, स्वेटर वगैरह खरीद सकें। लेकिन सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, जो तमाम मंसूबे हैं, कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार ये सोच रही है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा खाना मिल सके, लेकिन दूसरी तरफ कानपुर देहात के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो अध्यापक हैं, वो सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाते हुए क्या दिख रहे हैं? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर सत्यम जो तस्वीरें कानपुर देहात से सामने आती हैं लगातार, वो तो बिल्कुल साफ इशारा करती हैं कि शासन की जो मंशा है, जो योजनाएं हैं, जो सरकार करना चाहती है, उन पर लगातार पलीता लगाया जा रहा है। जिस तरीके से सत्यम आपने भी बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हर गरीब बच्चे को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जिन परिजनों के पास पैसे नहीं है कि वह शिक्षा दिला सके, उन बच्चों को शिक्षा मिले, इसलिए लगातार सरकार प्रयासरत है। बच्चों को स्वेटर, जूते, मोजे, किताब, बैग और मध्यान्ह भोजन के माध्यम से उन्हें व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन आखिर तस्वीर है जो निचले स्तर के अध्यापक है, जिनकी जिम्मेदारी है, ग्राउंड जीरो पर जिनकी जिम्मेदारी है, जमीनी जो जिम्मेदारी जिनकी है, कहा यह जाता है कि बच्चे विद्यालय में जाते हैं, बच्चे विद्यालय जब पहुंचते हैं उनके बाद से पूरी जिम्मेदारी अध्यापकों की होती है, क्योंकि परिजन वही होते हैं उस दरमियान के। लेकिन वो चीजें जो हकीकत में होनी चाहिए वो कानपुर देहात में नजर नहीं आई। जी सर। गौरव, एक तरफ सरकार स्कूल चलो अभियान चला रही है और तमाम बच्चों के दाखिले भी करवाए हैं, एडमिशन भी कराए, लाखों बच्चों ने एडमिशन लिए इस बार। जिस तरीके से एक अनुमान लगाया जा रहा था कि पिछले दिनों तमाम सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही थी, इसको देखते हुए योगी सरकार ने स्कूल चलो अभियान चलाया जिसके तहत तमाम बच्चों के दाखिले भी करवाए गए। क्या लगता है इन तमाम जो योजनाएं और तमाम जो सरकार मेहनत कर रही है अपने तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ, उनको पलीता लगाते हुए ये जो अध्यापक हैं वो दिखाई दे रहे हैं? आखिर आपने इन अध्यापकों से बात करने की कोशिश की कि आखिर क्यों इस तरीके का काम बच्चों से करवाया जा रहा है? ये भी सामने निकल कर आया बच्चों ने जिस तरीके से बताया है कि अगर झाड़ू हम नहीं लगाते हैं या फिर काम नहीं स्कूल का करते हैं तो उनके साथ मारपीट तक की जाती है। देखिए सत्यम, जिस तरीके से सरकार की बात की जाए या जिले की जिला अधिकारी की बात की जाए, उन्होंने प्राथमिक विद्यालय हो या पूर्व माध्यमिक विद्यालय हो, इनमें लगातार जो है बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए तमाम वो प्रयास किए हैं। तमाम रैली के माध्यम से, स्कूल चलो अभियान के माध्यम से, विद्यालय के द्वारा हर वक्त रैली निकाली गई, 10 से 15 दिन के अवसर में लगातार रैलियां निकाली गई। लेकिन पहलावर पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय का एक तस्वीर यह भी सामने आई जहाँ पर परिजन है वह अपने बच्चे के दाखिले के लिए लगातार प्रयासरत है और अध्यापक हैं इस कदर मतलब तानाशाही है उनके अंदर कि वो ना तो बच्चे का एडमिशन कर रहे हैं और ना ही पहले जिस विद्यालय में, जिस कक्षा में बच्चा था। ठीक है गौरव, तमाम चीजें हमने देखी, अगर देखा जाए तमाम जिले के हमने जिला अधिकारी ऐसे भी देखे हैं जो तमाम स्कूलों में खुद जाते हैं और निरीक्षण करते हैं, इसके साथ साथ वहां के खाने को भी चखते हैं कि बच्चों को आखिर दिया क्या जा रहा है। क्या कानपुर देहात के जिला अधिकारी कभी ऐसे स्कूलों में पहुंचे निरीक्षण करने? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि जिले में जिलाधिकारी नेहा जैन तो नवागंतुक है, लेकिन इससे पहले मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने बीते दिनों जनपद के एक विद्यालय में पहुंची थी और उन्होंने बच्चों से बात भी की थी। मध्यान्ह जो भोजन था वो भी उन्होंने बच्चों के साथ किया था। लेकिन जैसा कि मैंने सत्यम बताया कि अधिकारियों को उन्हीं विद्यालयों में लेकर जाया जाता है जहाँ की व्यवस्थाएं ठीक होती है। क्या कहीं ना कहीं नहीं ठीक है? ठीक है गौरव, इतने बड़े कोई अधिकारी नहीं, जिले की पूरे जिले की जिम्मेदारी है जिला अधिकारी के पास, तो वो अपने मन से भी जा सकते हैं, अचानक भी निरीक्षण कर सकते हैं। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम जगहों के निरीक्षण अचानक नहीं करने पहुंच जाते हैं? क्या बृजेश पाठक तमाम अस्पतालों के निरीक्षण अचानक नहीं करने पहुंच जाते हैं? तभी तो पता चलता है आखिर खामियां क्या है। क्या जिले के अधिकारियों को इस चीज का पालन नहीं करना चाहिए कि जो जिले में स्कूल खुले हैं, तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, कोई नया मामला नहीं कानपुर देहात का, आपने खुद बताया कि छठवां मामला है, तो क्या जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हो गए, जिला अधिकारी हो गए, इन लोगों को अचानक सरकारी स्कूलों में निरीक्षण करने पहुंचना चाहिए? क्योंकि मिड डे मील में भी शिकायत मिलती आ रही है तमाम पिछले दिनों से, और यह भी मामला मिड डे मील से भी जुड़ा हुआ है कि यहां पर मिड डे मील में भी तमाम तरीके की शिकायतें बच्चे कर रहे हैं कि खाना सही से नहीं परोसा जा रहा है। इसके साथ साफ तौर पर हम तो वीडियो भी दिखा रहे हैं कानपुर देहात का, जिसमें साफ तौर पर बच्चे झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
देखिए सत्यम, जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं जिले के जिम्मेदार अधिकारियों का ये दायित्व तो बनता है कि वह औचक निरीक्षण करें किसी भी अधिकारी को बिना बताए। अगर अधिकारी ऐसी निरीक्षण करता है औचक निरीक्षण, तो कहीं ना कहीं वो चीजें निकलकर जरूर सत्यम सामने आएंगी कि जिनकी तस्वीरें आने वाले समय में कार्रवाई के माध्यम से बदली जा सकती है। चलिए गौरव शुक्ला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन देखना होगा कि कब कार्रवाई होती है, क्योंकि वीडियो बड़ी धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। ये कानपुर देहात का वीडियो है जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गोल घेरे में इन तस्वीरों को साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जिम्मेदार अधिकारियों पर कब कार्रवाई होती है। ये बड़ा सवाल है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारियों पर कब कार्रवाई होती है। ये तस्वीरें लगातार कानपुर देहात से हम आपको दिखा रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जिम्मेदार अधिकारियों ने वही रटा रटाया जवाब दे दिया है मीडिया कर्मियों को कि जांच कराई जाएगी और जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिर क्या कार्रवाई करते हैं जिले के जिम्मेदार अधिकारी और कानपुर के डीएम। और अब मेरठ का रुख करेंगे। मेरठ से एक अजीबोगरीब मामला सामने निकल कर आया है। मामूली सी बात पर पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है। आपको बता दें कि नाजमा का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो शादी के बाद मोटी हो गई थी और इसके बाद उसके शोहर यानी कि सलमान ने उसे तलाक दे दिया। क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट से समझिए, इसके बाद इसी पर करेंगे चर्चा। तलाक देने की वजह के किस्से तो कई सुने होंगे आपने, लेकिन मेरठ में तलाक देने का अजीबोगरीब मामला सामने निकल कर आया है। पत्नी का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो मोटी हो गई। जी हाँ, ये सुनकर आपको ताजुब हो रहा होगा कि सिर्फ मोटी होने पर कोई पति अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। लेकिन मेरठ में इस खबर की चर्चा पूरे जोर शोर पर है। मामला मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र की जाकिर कॉलोनी का है। यहाँ रहने वाली नाजमा ने बताया है कि उसकी 8 साल पहले सलमान से शादी हुई थी और सलमान से एक बेटी भी है। नाजमा का आरोप है कि 1 महीने पहले उसके शोहर ने मारपीट कर घर से निकाल दिया था और तलाक का नोटिस भेज दिया। जब तलाक की वजह जानने की कोशिश की तो पति सलमान ने साफ कहा कि तुम मोटी हो गई हो और मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। जिसके बाद नाजमा अपने परिवार के साथ थाना लिसाड़ी गेट पहुंची और अपने पति के खिलाफ तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। मैं जाना चाहती हूँ सलमान के साथ, वो ले जाना नहीं चाहता। क्यों? उन्होंने नोटिस भेज दिया, यूँ मैं तो तलाक दूंगा तुझे। तलाक दे के मारपीट करके चले गए। कब हुई थी आपकी शादी? मेरी 8 साल पहले हुई। क्यों तलाक देना चाहते हो? क्या कर रहा हूँ ये पता नहीं। यूँ कह रहे हैं मोटी होगी, मैं रखूँ नहीं तुझे। अब मेरा एक लड़का 7 साल का, यूँ कह रहे हैं मैं रखना नहीं चाहता। वहीं पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। सवाल ये उठता है कि पत्नी के मोटे होने पर कोई पति तलाक कैसे दे सकता है। ऐसे ही तलाक के मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया था ताकि पीड़ित महिलाओं को उनका हक मिल सके। अब देखना है कि नाजमा को इंसाफ कब मिलेगा और उसके पति को सजा कब। मेरठ से न्यूज वॉच इंडिया के लिए मनव्वर चौहान की रिपोर्ट। तो अजीबोगरीब मामला सामने निकल कर आया है मेरठ से, जहां पर महिला मोटी हो गई जिसके बाद उसके पति ने तलाक दे दिया। ये एक कारण अजीबोगरीब लग रहा होगा आपको, लेकिन ये हकीकत है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनव्वर चौहान सीधा मेरठ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनव्वर, तमाम मामले सुने हैं 3 तलाक के मैंने, लेकिन आज मैं ये पहला मामला सुन रहा हूं कि एक पति ने केवल इस वजह से तलाक दे दिया कि पत्नी मोटी है, इस वजह से तलाक दे दिया। वैसे तमाम मामले हमने देखे हैं कि दहेज से छूते हुए होते हैं, कि दहेज ना देने की वजह से घर से निकाल देना और तमाम विवाद होते हैं। लेकिन ये एक अजीबोगरीब मामला सामने निकल कर आया है मेरठ से, जहां पर पत्नी मोटी हो गई, इसको देखते हुए पति ने तलाक दे दिया सलमान ने। और अब जो सलमान की पत्नी है वो लगातार न्याय की गुहार लगा रही हैं
और पुलिस के चक्कर भी लगा रही थानों के। क्या कुछ पूरा मामला है आपसे हम विस्तार से जानेंगे। ये मुजफ्फरनगर का रहने वाला परिवार है, लेकिन ये काफी पिछले 20-22 सालों से मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के जाकर कॉलोनी में रह रहा है। इस परिवार की जो बेटी है नाजमा, 8 साल पहले किठोड़ के पास एक गांव पड़ता है, वहां के रहने वाले सलमान सिंह की शादी की गई थी। बाकायदा इनके 7 साल का बेटा भी है, लेकिन अब आकर के जब नाजमा मोटी हो गई तो उस शख्स ने इनको अपने घर से भगा दिया और बाकायदा फोन कॉल के माध्यम से बात बताई कि मोटे होने के चलते मैं आपको रखना नहीं चाहता, लेकिन नाजमा जाना चाहती है। अच्छा, ये बात अजीबोगरीब इसलिए है क्योंकि पहले इस तरह के मामले नहीं देखे गए और अब ऐसे में मोटे हो जाना एक स्वाभाविक सी बात है। शादी के बाद महिला मोटी हो सकती है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, मेडिकल इसको बताता है। बावजूद इसके एक शख्स सलमान जिसका नाम है, वो चाहता है कि जिससे उसकी शादी हुई है वो सालों साल उम्र दर उम्र वो ऐसे ही रहे, लेकिन मोटी ना हो, अगर मोटी होगी तो वो छोड़ देगा। ऐसे लोगों की अकल को ठिकाने लगाने के लिए ही केंद्र सरकार ने 3 तलाक के लिए एक बिल पास किया था, बाकायदा कानून बनाया गया। हैरत की बात यह है कि कानून तो बना, लेकिन उसमें जो सजा का प्रावधान है उसको इम्प्लीमेंट करने में समय लगता है। इसी के चलते इस तरह के लोग महिलाओं को घर से भगा देते हैं और महिला दर बदर ठोकरे खाती है। हालांकि जो नाजमा है फिलहाल जाकर कॉलोनी स्थित अपने पिता के घर पर है, पति लेकर नहीं गया है। पुलिस ने इस मामले को देखते हुए, क्योंकि सुर्खियां ये मामला बना, तो इस मामले में तत्काल मुकदमा कायम कर लिया और अब इस पूरे प्रकरण में पुलिस का कहना है कि वो आगे की कार्रवाई अपने सुनिश्चित करेंगे और इस पूरे मामले में कोशिश करेंगे पहले म्यूचुअल में ये चला जाए कि सलमान जो है नाजमा को ले जाए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जाहिर तौर पर सलमान को सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। म्यूचुअल के बाद सीधे सीधे मुकदमा दर्ज हो जाएगा और वो मुकदमा दर्ज हो तो गया है, लेकिन उसको परिपक्व रूप से उसको एक सजा का उसमें प्रावधान होगा और वहीं से उसको जेल भेजा जा सकता है। हालांकि नाजमा ने बताया कि उसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे मोटापा आया और स्वाभाविक सी बात है, इंसान की जो उम्र बढ़ती है मोटापा आता ही है। महिला जिनकी शादी होती है उनकी खासतौर से, ठीक मनोवर, देखिए शादी होने के बाद तमाम महिलाएं मोटी हो जाती हैं, जैसे कि आपने बताया कि मेडिकल इसके पीछे एक साइंस है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से महिला ने तमाम आरोप अपने शोहर पर लगाए हैं, लेकिन अब महिला आखिर क्या चाह रही है, महिला क्या चाह रही है, क्योंकि पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, पुलिस पूरी तरीके से जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर कर रही कि आखिर पूरी हकीकत क्या है और सलमान क्या चाहता है और उसकी अभी भी क्या चाहती है। लेकिन आपने बात की है, बाइट भी ली है और उन्होंने तमाम आरोप अपने शोहर पर लगाए हैं कि इस वजह से हमें घर से बाहर निकाल दिया गया है। इससे पहले मारपीट का भी आरोप उन्होंने लगाया कि इससे पहले मारपीट करके 1 महीना पहले निकाल दिया गया और इसके बाद नोटिस दिया गया है तलाक का। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर इस समय उनकी पत्नी का क्या कुछ कहना है। देखिए, नाजमा सीधे सीधे चाहती है कि उसको उसका शोहर सलमान अपने साथ ले जाए, क्योंकि शादी को 8 साल हो गए हैं, 7 साल का उनका बेटा है। ऐसे में बेटा भी बिना बाप का हो जाएगा और माँ भी, समझ लीजिए बेटा बिना माँ का हो सकता है, क्योंकि अगर सलमान उसको नहीं लेकर जाएगा तो मजबूरन नाजमा के पिता को नाजमा की शादी कहीं और भी करनी पड़ सकती है। हालांकि नाजमा ने कोशिश की, लेकिन सलमान ने ठान ली है कि नाजमा को नहीं रखना, बाकायदा कोर्ट के माध्यम से तलाक का नोटिस भी भेज दिया है। ऐसे में साफ तौर पर सलमान की जो सोच है वो जाहिर हो जाती है कि वो नाजमा को रखना नहीं चाहता, लेकिन नाजमा ने पहला शब्द थाने पर पहुंचकर ये कहा कि वो जाना चाहती है लेकिन सलमान उसको रखना नहीं चाहता। हालांकि अब पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस भी एक बार कोशिश करेगी, मेरठ में परिवार परामर्श केंद्र लगता है और बेसिकली खास तौर से इन्हीं मामलों के लिए परिवार परामर्श केंद्र लगता है, उसमें म्यूचुअल में मामला चला जाएगा, उसके बाद ही निष्कर्ष निकलेगा कि सलमान रखेगा या नहीं रखेगा। रखेगा तो वेल एंड गुड, एक बच्चे को माँ बाप का प्यार मिलेगा, और नहीं रखेगा तो बच्चे के पिता को सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। देखिए मनोवर, ठीक बात है, ठीक है, खबर जो सामने निकलकर मेरठ से आई है वो इस समय सुर्खियों में बनी हुई है कि कोई अजीबोगरीब मामला है, लेकिन मनोवर ऐसे तमाम लोग हैं जो इसी तरीके की सोच रखते हैं, इन लोगों की सोच आखिर कैसे बदली जाए। देखिए सरकार, केंद्र सरकार ने तो कानून लेके आई 3 तलाक को लेकर, इसके बाद भी लोगों में खौफ नहीं है, लगातार मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, देश की बेटियां लगातार प्रताड़ित की जा रही हैं, उनके साथ मारपीट होती है और जैसा कि मामला मेरठ से भी सामने निकल कर आया। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसे जो तमाम लोग जो इस तरीके की घटिया सोच रखते हैं, इनकी सोच कैसे बदली जाए।
देखिए जिस थाने का ये मामला है ना सत्यम जी, ये थाना लिसाड़ी गेट है और इस लिसाड़ी गेट थाने का जो क्षेत्रफल है, जो इलाका है, जो जो इसका भूगोल है वो काफी बड़ा है। इसी थाना क्षेत्र में 3 थाने और बनाए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस थाने की ये है कि इस पे पूरा दिन इसी प्रकार के केस आते हैं। पति ने मार दिया, पति ने 3 तलाक दे दिया, पति ने जला दिया, पति ने छोड़ दिया, पति दूसरी के साथ चला गया, पति ने दूसरी शादी कर ली, इस तरह के सैकड़ों मामले आते हैं। और पुलिस भी इस तरह के मामलों से त्रस्त है। कानून बना, लोग जेल में भी गए, काफी परसेंटेज है ऐसे लोगों की जो जेल में सजा काट रहे हैं। बावजूद इसके लोग नहीं समझ रहे, नहीं संभल रहे। इनको आखिर में देखा ये जाता है कि इनको जो बाद में होता है उसका फिक्र नहीं होती कि होगा क्या, लेकिन इनको लगता है कि इनको जो है अपनी बीवी को छोड़ करके दूसरी करनी है या फिर दूसरी रखनी है या अवैध संबंध से रखनी है, इस तरह के मामले आते हैं। हालांकि ये जिस तरह के जो लोग हैं ये ना तो अपनी बीवियों को घर से बाहर निकालते हैं, ना ही जिम भेजते हैं, ना ही मॉर्निंग वॉक पे भेजते हैं, ना इवनिंग वॉक पे भेजते हैं, घर में कैद रखते हैं। ऐसे में जब उनका वजन बढ़ने लगता है या फिर वो खूबसूरती जो होती है शादी के दौर की वो जाने लगती है, तो ये लोग इस तरह की हरकत करते हैं, छोड़ने की बात करते हैं, 3 तलाक की बात करते हैं। और इसी तरीके से जो इस तरह के लोग हैं उनसे एक पूरा तबका बदनाम होता है। और ये बदनामगी ही थी कि केंद्र सरकार ने इसको बाकायदा एक बिल ला करके इसको पास किया और कानून बनाया। लेकिन ऐसे लोग जेल में भी जा रहे हैं और तमाम जो एडवोकेट्स हैं उनके पास भी इस तरह के मामले हैं। परिवार परामर्श केंद्र में तमाम इस तरह के मामले हैं, वहां पर डेस्क लगती हैं, दसियों डेस्क लगती हैं और हर डेस्क पर 5-5 10-10 मामले हर हफ्ते आते हैं, एक संडे में लगाई जाती है मेरठ में। इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वो कोई भी धर्म बिरादरी जाती हो, लेकिन इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई मामलों में तो ये है कि भाई उसके अवैध संबंध उससे थे इसलिए छूट गया, कई मामलों में यह है कि बदसूरत हो गई उससे छूट गया, और अब ये अजीबोगरीब मामला है कि भाई मोटापा आ गया तो आप खत्म कर देते हैं रिश्ता, दूसरी जगह देखेंगे। ऐसे में पुलिस को इस पे स्टैंड लेना होगा और ऐसे लोगों को सख्त उन पर कार्रवाई करनी होगी और तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजना होगा, जिससे कि एक मैसेज निकले कि आप इतनी घटिया सोच रखेंगे, इस तरह की हरकत करेंगे तो आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। शायद कुछ लोगों के जहन में इस बात का डर घर करे और वो इस तरह की हरकत ना करें। सत्यम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनवर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मेरठ से ये मामला सामने निकल कर आया है, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं पीड़ित महिला का अभी भी ये कहना है कि वो अपने शोहर के साथ रहना चाहती है, लेकिन शोहर का कहना है कि वो महिला को अपने साथ नहीं रखना चाह रहा है, ठीक इसी वजह से वो तलाक दे रहा है। फिलहाल मेरे साथ सरोकार में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ वॉच इंडिया।